केरल के परंपरागत उद्योगों में कॉयर यानी नारियल जटा का एक गौरवपूर्ण स्थान है। मसालों के व्यापार की तरह केरल में कॉयर यानी नारियल जटा के व्यवसाय का भी एक लंबा इतिहास है। नारियल जटा, जिसे शुरू शुरू में ट्रावनकोर के तटीय क्षेत्रों में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता था, आलप्पुड़ा में बंदरगाह बनने के बाद से उसका निर्माण औद्योगिक स्तर पर होने लगा। बहुत जल्द आलप्पुड़ा नारियल जटा के व्यवसाय का केंद्र बन गया। सन 1859 में पहला कॉयर यूनिट डरा स्माइल और कंपनी आयरिशमैन जेम्स डरा और उसके दोस्त हेनरी स्माइल द्वारा चालू किया गया था। इसके बाद लगभग 25 कंपनियों द्वारा इसका काम शुरू किया गया, जिसमें विलियम गुडेकर, एस्पिनवॉल, वॉलकॉट और अन्य शामिल थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 20वीं सदी में एक नौकरी देने वाले व्यवसाय के रूप में अपना स्थान बनाने के कारण आलप्पुड़ा का स्टॉक और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जब शोषण और खराब मजदूरी बढ़ गई, तब मजदूरों ने खुद को संगठित किया और संग्राम को आगे बढ़ाया, जिससे इस भूमि पर कम्युनिस्ट आंदोलन की लोकप्रियता और ताकत बढ़ गई। इस प्रकार आलप्पुड़ा ने केरल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आजादी के बाद नारियल जटा उद्योग ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को उन्नत बनाने पर ध्यान दिया है। कॉयर बोर्ड द्वारा स्थापित आलप्पुड़ा में कलवूर में इंटरनेशनल कॉयर म्यूजियम में नारियल जटा का एक व्यापक इतिहास दर्ज है। इसमें इसकी वृद्धि के सभी चरणों को एक कुटीर शिल्प के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर इसके सबसे नए, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी समर्पित रूप तक दर्शाया गया है। केरल में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आलप्पुड़ा में स्थित इस म्यूजियम का लक्ष्य पर्यटकों को इस भूमि के सबसे पुराने उद्योगों में से एक के शानदार इतिहास से परिचित कराना है।